हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं ये डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, फ्रॉक, जैकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन जस्ट 4 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 8 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 3 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 3। इसमें मैंने 8 मल्टीपल करके 16 प्लस 3 कर लिया है, टोटल 19 कर लिया है। फर्स्ट रो रॉन्ग साइड, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, अब 2 फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आके 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, अब 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। अब ये 3 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। धागा आगे 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, फिर 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो राइट साइड, सेकेंड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा पीछे, अब 2 फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे रखना है इस तरह से। अब ये 5 फंदा बिना बुने ऐसे स्लिप करना है, एक दो तीन चार पाँच। अब इस 5 फंदा को 2 बार रैप करना है इस तरह से, धागा पीछे करना है, फिर इस 5 फंदा को लेफ्ट मिरर में शिफ्ट करना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा आगे इस तरह से, फिर इस 5 फंदा को राइट मिरर में शिफ्ट करना है, 2 3 4 5, फिर धागा पीछे, अब 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। ये 3 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, 5 फंदों को 2 बार रैप करना है, फिर 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, धागा आगे करना है। अब 5 फंदा बिना बुने स्लिप करना है, एक दो तीन चार पाँच। अब ये 5 फंदा को 2 बार रैप करना है इस तरह से, धागा पीछे, अब इस 5 फंदा को लेफ्ट मिरर में शिफ्ट करना है, एक दो तीन चार पाँच, फिर धागा को धागा आगे करना है इस तरह से। अब इस 5 फंदा को राइट मिरर में शिफ्ट करना है, फिर 3 4 5, फिर धागा पीछे, अब 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। सेकेंड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा पीछे, अब 2 फंदा सीधा, एक दो। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, फिर 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। ये 3 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, फिर 3 फंदा सीधा, एक दो तीन। आपको ये रिपीट करना है, धागा आगे, फिर 5 फंदा उल्टा, एक
दो तीन चार पाँच, धागा पीछे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, धागा पीछे, अब चार फंदा सीधा, एक दो तीन तीन चार। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। ये दो फंदा को एक दो, ये दो फंदा को नीचे से इस तरह से निडल डाल के एक फंदा सीधा बुनना है। अब इस फंदा को ऐसे गिरा देना है इस तरह से, फिर सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तीन चार पाँच। ये पांच फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको यही रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। इस दो फंदा को एक दो, इस दो फंदा को नीचे से इस तरह से निरल डाल के एक फंदा सीधा बुनना है इस तरह से। अब सात फंदा का जगह पांच फंदा बचेगा, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फोर रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिज़ाइन जस्ट फोर रोज का है, फोर रोज में ऐसा डिज़ाइन बन के आएगा। अब फिर से रो वन से फोर तक रिपीट करके जाना है। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिज़ाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।